नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा की चार खबरों को लेकर। इन चारों खबरों को हम आपको बताएंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि प्लीज़ आप बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर पाने के लिए, शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी चार खबरों को। सबसे पहले हम अगर रोजगार की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा और ये महिलाएं होंगी स्वयं सहायता समूह की 58,000 महिलाओं को 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। काम क्या होगा? काम होगा कि ग्राम पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए। अभी सामुदायिक शौचालय बनने का काम चल रहा है और जहाँ जहाँ ये काम हो चुका है अब उनकी देखरेख के लिए भी रखा जाएगा एक कर्मचारी। वो कर्मचारी होंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। स्वयं सहायता समूह की एक महिला एक ग्राम पंचायत और मानदेय एक महीने में 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा। इसका जल्द ही आदेश भी जारी हो जाएगा। वैसे तो ट्रायल के तौर पर 6,000 ग्राम पंचायतों में महिलाएं रखी जा चुकी हैं इसकी देखरेख के लिए। अब ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। पूरे प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायत हैं और तो इतनी ही महिलाएं स्वयं सहायता समूह से इसमें सिलेक्ट की जाएंगी। हो गया, आवेदन आएगा, आवेदन भरना पड़ेगा और चयन होगा। ये सारी प्रक्रियाएँ धीरे धीरे होंगी, लेकिन ये अच्छी खबर है कि गाँव की महिलाओं को एक रोजगार उनके ही गाँव में मिलेगा। स्वयं सहायता समूह की ही बात करें तो स्वयं सहायता समूह में एक और फायदा होने जा रहा है महिलाओं को कि अब स्वयं सहायता समूह से ही सरकार बच्चों की ड्रेस बनवाने का कार्य करवाएगी। सरकारी स्कूलों में ड्रेस बांटी जाती है, पहले ये ड्रेस टेंडर के द्वारा जो है व्यापारियों से आती थी, जो ड्रेस डीलर होते थे वहाँ से आती थी, लेकिन सरकार ने अब की बार ये ड्रेस गांव के ही स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे सिलवाने के लिए कहा है ताकि ऐसी महिलाओं को रोजगार भी मिले और सिलाई की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से 3.6 करोड़ ड्रेस सिलवाने का इस बार सरकार की मंशा है कि इतनी जो है ड्रेस सिलवानी होंगी। प्रति ड्रेस 200 रुपये समथिंग कुछ ऐसा ही है वो दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं को इसके लिए ट्रेनिंग पहले से दी जाएगी। जो हैं एक्सपर्ट उनको तो दिया ही जाएगा, सिलाई मशीन दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, बस उन्हें से सिलाई करवाई जाएगी। तो इस तरह से बच्चों को समय से ड्रेस भी मिल सकेगी और कहने के तौर पर कि गाँव की महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा उसके, जिसके उन्हें सिलाई सिलने के पैसे भी मिलेंगे, मानदनी होगा शायद, जितनी यूनिफॉर्म सिलेंगे उस हिसाब से उनके पैसे भी होंगे। तो कुल मिला के ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर इस समय पड़ी हुई है, उनके लिए रोजगार खोल दिए हैं। और अब हम जो बात करें वो टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, तो यूपी टेट को आजीवन वैलिड करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। उसमें जो है जो भी टेट पास आगे करेगा उसके जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। अब तक यूपी टेट का सर्टिफिकेट केवल और केवल 5 साल के लिए वैलिड होता था। 5 साल बाद टेट दोबारा करना होता था अगर उसको किसी शिक्षक भर्ती में आवेदन करना है। हम आपको यहाँ यूपी टेट के लिए एक खास जो अंतर है वो बताएं कि सी टेट भी जो है आजीवन वैलिड है, लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर यह भी प्रस्ताव था कि जिन्होंने पहले से सी टेट कर रखा है उसके लिए वो विधिक राय लेंगे और विधिक राय लेने के बाद ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जो पहले से सी टेट पास हैं वो उनका भी सर्टिफिकेट क्या लाइफ टाइम वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यूपी टेट के मामले में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी एक जो जानकारी मिली उसके अनुसार तो यही है कि जो भी नियम बनता है वो उसके बाद के लिए लागू होता है। तो यूपी टेट अगर लाइफ टाइम वैलिड होगा तो जाहिर सी बात है कि आगे जो भी लोग यूपी टेट पास करेंगे उनके लिए ही लाइफ टाइम वैलिड होगा। जो पहले से टेट करके बैठे हैं, यूपी टेट करके बैठे हैं, उनके लिए वो सर्टिफिकेट केवल 5 साल के लिए ही वैलिड होगा जब उन्होंने वो टेट किया है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा अंतर सामने आएगा अगर सी टेट लाइफ टाइम के लिए होता है जो पहले से कर चुके हैं या जो करने वाले हैं, और यहाँ यूपी टेट केवल केवल आने वाले टेट के लिए ही लाइफ टाइम वैलिड होगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होगा सी टेट और यूपी टेट में। खैर जो भी हो, अभी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और ये पास हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए आगे तो पास हो जाएगा। केंद्र ने कर दिया है तो राज्य सरकार भी कर ही देगी। अब बस निगाह जो बनी हुई है, उम्मीद जो बनी हुई है लाखों लोगों की, बस वो यही
कि पहले टेट करने वालों का भी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड कर दे सरकार। तो ये थी यूपी टेट को लेके खबर। अब हम जो अगली खबर बता रहे हैं वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो दूसरा पार्ट है, 36,590 शिक्षकों की जो भर्ती होगी उसकी काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर को होगी। 2 से 4 दिसंबर के जिला मुख्यालय, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर इनकी काउंसलिंग होगी या जो भी इनका सेंटर है वहां पर इनकी काउंसलिंग होगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द इनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, तो जल्द ही इनके हाथ में भी नियुक्ति पत्र होगा। तो दोस्तों बस आज यही थी बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर। हम ऐसी ही खबर आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए अपने दोस्तों से। निष्ठा ट्रेनिंग से जुड़ी अगर कोई आपको प्रश्नोत्तरी देखनी है तो हमारी वेबसाइट www.govindgopal.com पर जाके आप वहाँ पर प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। बेसिक से जुड़ी खबर भी उस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर उस पर जाके क्लिक करें और वेबसाइट पर विजिट करें। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।